सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपया हो तो सामान की कुल कीमत कितनी थी? अब यहाँ दे रहा है 2/3 भाग 6% लाभ पर, तो 2/3 भाग का मतलब क्या है? 2/3 भाग का मतलब है 3 भाग में 2 भाग, तो शेष कितना बच जाएगा हम लोग का? टोटल तो यहाँ 3 था, 2 भाग यूज़ कर लिया, तो कितना बचेगा? 1, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 इसका हल निकाला जाएगा तो शेष आ जाएगा 1/3, यानी कि 2/3 हो गया पहले वाला और शेष कितना हो गया? 1/3। अब बोला 2/3 भाग को 6% क्या लाभ पर बेचना है, यानी लाभ कितना हो जाएगा? 2/3 का 6%, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 4% लाभ, प्रॉफिट। शेष शेष का 3% हानि पर, और शेष हम लोग का कितना है? 1/3, यहाँ निकाले थे तो 3%, 3 से 3 गया 1, 1% का क्या हानि या लॉस। टोटल लेन देन में क्या हुआ? 4% का लाभ, 1% हानि, यानी 3% का लाभ हुआ, क्योंकि 4% लाभ हुआ, 1% इसमें से हानि को घटा दिए, 3% हम लोग का लाभ आ गया। अब 3% लाभ, जबकि ये क्या बोल रहा है कि 540 रुपये का लाभ हुआ, तो बराबर में लिख देंगे 540। प्रतिशत में 3% का लाभ, और ऐसे रुपया में बोल रहा है 540 रुपये का लाभ हुआ। अब 3 से इसको काट देंगे तो 18 * 3 = 54, यहाँ बच जाएगा क्या? 1%। अब 1% का मान 180, और निकालना हम लोग क्या है? बोला सामान की कुल कीमत, और किसी भी सामान का पहले मूल्य कितना होता है? 100%। यदि लाभ और हानि को छोड़ दिया जाए तो लाभ और हानि के पहले उसका मूल्य कितना होता है? 100% ही होता है। अब 1% का मान 180, तो इसको 100% बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100%, और इधर गुना करेंगे तो इस सारे भी हम लोग को गुना करना पड़ेगा, और 100 से गुना करेंगे तो 180 में 100 से गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा कितना? 18,000। यानी कि सामान का कुल कीमत कितना था? ऑप्शन नंबर बी, 18,000।